स्वागत है आप सभी का फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ये एक मच अवेटेड मैच था, मच अवेटेड राइवलरी थी जिसमें अफगानिस्तान ने 8 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटा दी, हरा दिया, रौंद दिया, घमंड तोड़ दिया, गुरूर तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया भाई। पाकिस्तान को एकदम जमीन पर लाकर रख दिया। इस तरह की अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है, 8 विकेट से अफगानिस्तान जीता है और 282-83 रन अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट पर चेस कर लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करें, रहमत शाह की बात करें, हशमतुल्ला शाहिदी की बात करें, इब्राहिम जादरान की बात करें, भाई साहब क्या कमाल बैटिंग की है अफगानिस्तान ने। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अफगानिस्तान 250 प्लस का टारगेट इतनी आसानी से चेस कर जाएगा। और वो पाकिस्तान जो एशिया कप से पहले अफगानिस्तान को लगातार 3 वनडे मैच हरा कर आई थी, जो लग रहा था कि ये टीम एशिया कप जीतेगी, ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीज में पहुंचेगी, वो पाकिस्तान के अब लाले पड़ जाएंगे सेमीफाइनल पहुंचने के। बट क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान, क्रेडिट गोज टू देयर टीम मैनेजमेंट। जिस तरह से अफगानिस्तान इस पूरे वर्ल्ड कप में खेला है, कुछ मैचेस खराब रहे, बहुत खराब रहे, बट जिस तरह के 2 मैच उनके जो इस बार के अब तक यादगार हैं, एक तो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को रौंदा दिल्ली में और उसके बाद पाकिस्तान को रौंदा चेन्नई में, और दोनों टीमों का जो वर्ल्ड कप का कैंपेन है वो लगभग खत्म कर दिया है अफगानिस्तान ने, बहुत दिक्कत में डाल दिया है, जहां से इंग्लैंड और पाकिस्तान शायद ही वापस आपको उठता हुआ दिखे और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। बट अफगानिस्तान कमाल है भाई, जोनाथन ट्रॉट उनके हेड कोच है, अजय जडेजा जो है वो उनके मेंटोर बने, और क्या कमाल उन्होंने तब्दीली की है, क्या कमाल उन्होंने टीम में एक वो जान डाली है जिससे वो इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीम को हरा रहे हैं। वो अफगानिस्तान जो एशिया कप से पहले 3 लगातार वनडे हार के आया था पाकिस्तान से, एक भी बार कभी ओडीआई में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं हराया, वो अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में आकर चेन्नई के पिच पर 282-83 रन चेस कर रहा है। कमाल मैच था भाई, कमाल मैच था। बाबर आजम ने वहां पर रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाए, शादाब खान ने बनाए, इफ्तिखार अहमद ने बनाए, बट ऐसा लगा कि चलो पाकिस्तान एक ऐसी सेफ पोजीशन में है कि शायद यहां पर अब अफगानिस्तान को हरा सकता है, क्योंकि इस पिच पर जो स्लो हो जाती है वहां पर ऐसा लगा था कि 250 प्लस भी अगर पाकिस्तान बना गई तो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए बेहतर होगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी कमजोर है। बट अफगानिस्तान ने दिखाया कि नहीं भाई, इस बार हम अपनी बैटिंग भी दुरुस्त करके आए हैं। 4 स्पिनर खिलाए थे, 4 स्पिनर जो है कामगार रहे, कारगर रहे। उसके बाद बैटिंग में जो शो करा, ओपनिंग पार्टनरशिप जो शानदार करी, रहमानुल्लाह गुरबाज ने रन मारे, इब्राहिम जादरान ने मारे, फिर रहमत शाह आए उन्होंने भी रन मारे, फिर कप्तान आए उन्होंने भी रन मारे और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया। बाबर आजम की टीम जो एशिया कप से पहले से लग रही थी कि भाई ये टीम जो है तगड़ी टक्कर देगी इंडिया में आकर, इंडिया को भी और बाकी टीमों को भी, बट दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान जो है इतनी अंडर प्रेशर है और शायद उनकी जो टीम में यूनिटी है वो खत्म हो गई है, इस कारण से पाकिस्तान का ये हाल हो गया। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको अफगानिस्तान की ये जीत कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।